दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि धान में कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीड़े लगते हैं। धान हमारे देश की मुख्य फसल है। ये करीब विश्व में 148 मिलियन हेक्टेयर में पैदा की जाती है और इसमें से ज़्यादातर करीब करीब 90% धान एशियाई देशों में उगाया जाता है। हमारे देश में भी धान की खूब अच्छी फसल होती है और धान और गेहूं मुख्य दो फसलें हैं, अन्य की जिन पर कि हमारे किसान, हमारी जनता निर्भर रहती है। इनकी पैदावार अच्छी हो जाए इसके लिए इसमें बहुत से सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रा भी लापरवाही करने से पूरी की पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसमें कुछ रोग और मेन तो रोग और कीड़ों से बचाव ही है। इसमें बीज का भी महत्व है, ज़मीन का भी महत्व है, खाद का भी महत्व है, लेकिन आज मैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे उनमें है धान के रोग और धान के कीट। इन सब से भी फसलों को बहुत ही नुकसान होता है। धान में एक तो होता है झोंका रोग, जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, आँख की तरह दिखाई पड़ने लगती हैं और इस पर सर्प के आकार के टेढ़े मेढ़े धब्बे बन जाते हैं। धब्बा बीच में राख की तरह से होता है, किनारे भूरे की तरह से हो जाता है। एक झुलसा भी होता है जिसमें कि पत्तियां सूख जाती हैं, झुलस जाती हैं, भूरा धब्बा पड़ जाता है। जीवाणुधारी झुलसा भी होता है जो फंगस होता है और फाल्स स्मट, मिथ्या कंडुआ, जिसमें कि दाने न पड़ करके एक मिथ्या कंडुआ बालियां निकलने के बाद ही पता चलता है। इनमें दानों की जगह पर भू हरे पीले संतरे के रंग की तरह से पाउडर बन जाते हैं। एक सफ़ेदा रोग होता है जो कि लोहे की कमी से होता है। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में वो कत्थई पड़ जाते हैं। ये तो रोगों की पहचान है। इसमें देख करके कि कौन सा रोग लगा है या जानकार आदमियों से पता करके या अपने ज़िले के, हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वैज्ञानिक संस्था है, कृषि विभाग है, वहाँ उन पौधों को दिखा करके आप जांच कर लें कि कौन सा रोग इसमें लगा है। अगर फंगस वाला रोग लगा है तो फंगी नाशक ब्लाइटॉक्स या कार्बेंडाजिम, इन सब का प्रयोग करें। और नहीं, अगर ये सफ़ेदा रोग या न्यूट्रिएंट की कमी से लगा है, जिंक की कमी से लगा है, तो जिंक का भी छिड़काव कर सकते हैं। सलाह तो मैं अब किसान भाइयों को देता हूँ कि बीज बोते समय ही बीज को कार्बेंडाजिम या थीरम से उपचारित करके बोएं। इसी तरह से इसके उपचार के लिए ब्यूबेरिया बाइसियाना एक दवा आती है, फंगस है, इसको हम इससे हम खेत के ट्रीटमेंट करते हैं, खेत को उपचारित करते हैं। ब्यूबेरिया बाइसियाना से इससे दीमक भी नहीं लगता है और जड़ काटने वाले कीड़े भी नहीं लगेंगे। तना छेदक होता है, तना छेदक और गुलाबी तना छेदक पत्तियों के जरिए से सूढ़ियाँ, इसके मक्खियाँ अंडे दे देती हैं पत्तियों पर, पत्तियों से उसमें पतले पतले सूढ़ियाँ निकल करके पत्तियों को छेद करके और तने में चली जाती हैं, पत्तियों को छेदती हैं, ऊपर के कली को छेद करके
तने में घुस जाती हैं और तने को खाकर खोखला कर देती हैं, गांठ तक पहुंच जाती हैं, जिससे कि उसमें सड़न भी होने लगती है और पौधा सूखने लगता है। तो इसके लिए अगर हम देख लें हमारा ETL लेवल सही है तो हमें इससे छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ETL लेवल से ज़्यादा है, खेत में हमें 5% से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं पौधे इस तरह से, तो हमें इनमें कोई भी दवा का हम छिड़काव कर सकते हैं। ये ज़्यादातर असिंचित क्षेत्र में लगते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, या पहाड़ी क्षेत्रों पर लगते हैं। इसमें हम जब ज़्यादा दिखाई पड़े हमारे हमारे खेत में तो केल्डान एक दवा आती है, केल्डान 4G या पडान 4G 400 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके हमें खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। पत्ती लपेटक एक कीड़ा होता है, पत्ती लपेटक, इसके कीड़े पत्तियों पर अंडे दे देते हैं, उसमें सूड़ियाँ निकल करके, सूड़ियाँ पतला सा तार निकालती हैं अपने जिस्म से और पत्तियों को लपेट करके उसी में पड़ी रहती हैं। इससे पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, सूखने लगती हैं और फसलों को नुकसान होता है। ज़्यादा दिखने पर हमें मेलाथियान या फॉलीडॉल का छिड़काव कर देना चाहिए, इससे घर ठीक हो जाती है। गंधी से ज़्यादा नुकसान होता है, ये गंधी कीड़ा इसको इसके महक से ही पहचाना जा सकता है कि इसमें बड़ी बदबू आती है और इसे देख करके ही पहचान सकते हैं। अगर ये कीड़े एक कीड़ा एक पौधे पर हो तब तो हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पौधे पर एक से ज़्यादा कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं तो हमारा ETL लेवल से ज़्यादा हो जाता है, अब हमें इस पर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है। इसमें बालियां निकलने से पहले बालियां जब निकलने लगें उसी वक्त में मेलाथियान या फॉलीडॉल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये रुक सकता है। प्रकाश प्रपंच, प्रकाश के भी बड़े भी ये शौकीन होते हैं, प्रकाश या लाइट ट्रैप या फेमोनोन ट्रैप, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेमोनोन ट्रैप करीब 20 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है, लाइट ट्रैप तो ये कहीं कई हेक्टेयर के लिए काफ़ी हो जाता है। इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसमें सारे कीड़े आ जाते हैं उस थैली में और उसको हम ले जाकर बाहर फेंक सकते हैं, कीड़ों कंट्रोल हो सकता है। और एक सैनिक कीट होता है, सैनिक कीट रात में दिन में छिपे रहते हैं, रात में निकल करके बालियों को काट के गिरा देते हैं, जिससे हमारी बालियों दाने नहीं पड़ते और हमारी उपज घट जाती है, दाने भी खराब किस्म के निकलते हैं। तो इसके लिए भी हमें चाहिए कि अगर हम देख लें अपने खेत की निगरानी करते रहें, अगर हमारे खेत में सैनिक कीट लगे हैं या लगने वाले हैं तो उसमें भी हम मेलाथियान या फॉलीडॉल या 4-8-10G का छिड़काव करके हम इसे रोक सकते हैं। इसमें मेरे दोस्तों धान के रोग में और धान के कीट में
इससे हमें हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, हमारा उत्पादन घट जाता है, हमारे हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है। इस तरह से हमें चाहिए कि रोग से बचाव और कीटों से बचाव हम करें। इसमें जो बात आपके समझ में नहीं आई हो वो आप बात हमसे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं और इसका प्रयोग अपने खेतों पर आप करें। इस समय धानों में बालियां निकलने वाली हैं या निकल रही हैं, इसमें सैनिक कीट और गंधी कीट, इनका ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है, प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव के लिए हम कोई न कोई दवा इसका छिड़काव करते रहें। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इसको इसमें जो समझ में न आया हो उसे आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।